एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बातचीत करके उनकी समस्या भी जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मैडम, अभी फोन। जी जी ओम प्रकाश जी, सवाल करें, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे मैडम पेट में गैस भरती है जी, बचपन से ही, मेरी बात सुनिए, बचपन से ही भरती थी ये गैस जी। उम्र कितनी है आपकी? 44 साल है। 44 साल जी। ठीक, गैस का तो एक बहुत अच्छा नुस्खा जो मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचा और बड़ा फ़ायदा दिया, और वो ये है, 500 ग्राम मेथी का दाना पाउडर बना लें और 100 ग्राम नमक, जैतून आता है, जैतून का रसायन होता है जिसे नमक जैतून हम लोग कहते हैं, एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं, 100 ग्राम वो लेकर इसमें साथ पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम खाने से पहले या बाद में अपनी मैडम को दीजिए, आप देखेंगे कि इनकी बचपन की बीमारी बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन है। जी, एक और दर्शक हैं, राम प्रवेश कुमार जी ने हमें कॉल किया है झारखंड से। राम जी, सवाल कर सकते हैं आप। जी जी मैम, मेरा बाल जो है बहुत तेजी से झड़ रहा है जी, और बहुत तेजी से पक भी रहा है। उम्र कितनी है आपकी? 35 ईयर्स। और कोई बीमारी है आपको? क्या मैम? नहीं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बाल बहुत तेजी से उड़ रहा है। जी, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है लेकिन बाल गिर रहे हैं। हाँ देखिए, अगर डाई वाई इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तेज डाई से भी बाल बड़ी तेजी से गिरते हैं, तो वो रोक दें तो भी बाल रुक सकते हैं। दूसरा, अगर अंदर से कमजोरी आ रही बालों में तो आप एक नारियल पानी रोज पिया करें और उसमें गोंद मोरिंगा सफ़ेद ले लें, एक गोंद आता है मोरिंगा का गोंद, जो सफ़ेद वाला आपको लेना है, लाल वाला नहीं, लाल वाला नकली आता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम मिला के रोज एक नारियल पानी पिया करें, आपके बाल ऐसे के जैसे आप पसंद फरमाएंगे ऐसे होना मुमकिन है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हकीम साहब, नसों की बीमारी की विषय में अगर हम बात करें तो काफ़ी कॉलर्स भी हमें इस विषय में आते हैं, ये बताइए आप हमें कि क्या महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है या पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है कि नसें जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, और क्या इसकी कोई उम्र भी होती है कि ज़्यादा उम्र दराज जो लोग हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है? देखिए, जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको तो ये समस्या होती ही है जी, और हमारे 45 साल के बाद हमारे सब कुछ सुकड़ने लगता है, आपने देखा होगा चेहरा भी सुकड़ने लगता है, झाइयाँ सी आने लगती हैं, हाथ भी जो बड़े खूबसूरत लगते हैं वो थोड़े बुझे बुझे, हर चीज़, यहाँ तक के हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो सब कुछ सुकड़ने लगता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 40-45 साल के बाद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसे रोका जाना चाहिए और रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो बुढ़ापे में भी जवान लगते हैं और कुछ लोग जवानी में भी बूढ़े लगने लगते हैं, तो यही फ़र्क है, जो लोग अपना ख्याल रखते हैं वो बुढ़ापे में भी वो अपने नसों का, अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपनी किडनी, अपना लीवर, हर चीज़ का ख्याल, कोई भी चीज़ है अगर आप उसका ख्याल रखते हैं तो वो सुंदर बनी रहती है, चाहे आपका मकान हो, वरना मकान भी अगर आपने 25 साल उसकी देखभाल नहीं की तो मकान भी खंडर बन जाता है जी। तो यही हमारे जिस्म का मकान है, इसको जितना ख्याल रखें इतना ही सुंदर रहेगा और मजबूत रहेगा जी। और इस वक्त जीत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हिमाचल प्रदेश से उन्होंने हमें कॉल किया है। सिंह साहब, क्या प्रश्न है आपका? गांठ है, छोटी को बड़ी बड़ी गांठ है मैडम जी। आपकी बॉडी में गांठें हैं, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 50 साल है जी। जी, गांठें हैं। अच्छा देखिए, वैसे तो गांठें जो सेहतमंद लोग होते हैं उनके होती ही हैं, ज़्यादातर पेट में, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा है तो फिर आपको एनिमल फैट बंद कर देना चाहिए। एनिमल फैट में मांस, दूध, घी और मक्खन आता है, वेजिटेबल ऑयल
जो बेहतरीन किस्म के हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, ये कभी जमता नहीं, चाहे फ्रिज में रख दो। और इसके अलावा ये कि गर्म पानी पीना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल। और बहुत ही परेशान है तो ये कर सकते हैं आप कि रोज़ाना देखिए, एक आता है जैतून का नमक, इसे जैतून का रसायन भी कहते हैं। जैतून का तेल भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जैतून का रसायन भी आता है, नमक भी आता है। ये आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाएं और एक नींबू भी निचोड़ लें इसमें, और इसको पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार। और कैलरीज बंद कर दें, पैदल भी चलें, धूप में चलें एक घंटा। थोड़ा खाना कम खाएं, जैसे चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खाया करें। तो इन सब चीज़ों से आपकी गांठों का ठीक होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से कुलविंदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, किस तरह की समस्या है आपके साथ? मेरे को एक हफ्ता पहले बुखार हुआ था, तो अब बीपी बढ़ने लग गया है। जी, उम्र कितनी है आपकी? 47 साल है। और बुखार कब हुआ था आपको? एक हफ्ता पहले हुआ था। जी, तो इन्होंने बात की थी, इन्होंने वो जैतून का सिरका मैंने बुक करा रखा है। ठीक है, मैं वही बताने वाला था आपको। और दो तीन महीने तक लें, और लहसुन भी खूब खाया करें, लहसुन अच्छा खासा खाया करें। तो अभी क्योंकि शुरुआत है, तो बीपी की बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। और अपना बहुत ख्याल रखें, इसके बाद आप नॉर्मल हो सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी परेशानी क्या है आइए जान लेते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है, नाम बताएं। ज्योति गाबा। ज्योति जी स्वागत है, पूछिए अपना प्रश्न। पेट में हर्निया है जी, जो नाभि के ऊपर अंडाकार का मांस उभरा हुआ है जी, इसका इलाज है? आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। 40 साल, हर्निया की परेशानी है। तो देखिए, अगर ये थोड़ा सा है, हर्निया है। जी हाँ, देखिए अगर ये थोड़ा सा है तो ये ठीक हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। और कुछ हर्निया तो पेट ठीक रहने से ही ठीक हो जाता है। आप देख लें कि आपको बहुत ज़्यादा है तो फिर ऑपरेशन, और अगर कम है तो फिर दवाओं से फ़ायदा हो सकता है। और फ़ायदा इस तरह के अलसी कलौंजी आंवला 200-200 ग्राम लें, और इसमें जैतून का नमक आता है, नमक जैतून जिसे कहते हैं, या रसायन जैतून कहते हैं, या एस्टेक जैतून कहते हैं। तो नमक जैतून इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं, और एक एक चम्मच सुबह शाम खाने से पहले गर्म पानी से लें, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं, और ये आप इस्तेमाल करके देख लें, और कम है तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, ये जो पेट का हर्निया है, क्या ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है दवाइयों से, या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है? गुंजाइश है कम जब तक है। जैसे हमारी जो आंतें हैं वो ऐसे ही लटकी हुई नहीं है, बल्कि एक जाली है ऐसी जिस पर वो रुकी रहती हैं। तो हमारा पेट बढ़ता है, खाना ज़्यादा खाते हैं, आंतें बढ़ने लगती, पेट बढ़ता है तो आंतें बढ़ती हैं, बोझ बढ़ता है, तो वो जाली पर ज़ोर पड़ता है। ये आंतें जब बोझ ज़्यादा हो जाता है तो ये जाली ऐसे तनाव हो जाता है जी। अभी तनाव ही है, अगर जाली क्रैक नहीं हुई है तो इलाज हो सकता है। और अगर ये जाली को क्रैक करके आंतें बाहर को लटक गई हैं तो फिर ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। ऑपरेशन करके वो आंत या तो ऊपर कर देते हैं और नई जाली डाल देते हैं, और इनको खुद देखना होगा कि इनकी रिपोर्ट में क्या आया। तो आप सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए या उसके बारे में विचार करना चाहिए? नहीं, जाली क्रैक हो गई तो ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, और जाली पे बोझ है उसकी वजह से फूल रहे हैं वो, तो फिर आप दवाई से। महिलाओं और पुरुषों में कितना कॉमन है ये?
महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, पुरुषों में भी है लेकिन बहुत कम। तो उनको यही देखना है कि अगर क्रैक नहीं हुआ है तो आप दवाओं से ठीक हो सकते हैं। दवाओं से ठीक हो सकते हैं वाकई में। तो ऑपरेशन के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले आपको यूनानी पद्धति की दवाओं का इस्तेमाल करना है। फर्क अगर आपको अच्छा मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो आपको हमें कॉल करके भी ज़रूर बताना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ज्योति जी ने हमें कॉल किया था और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी। एक और दर्शक है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। हेलो, नाम बताएं। हकीम साहब का फोन लगा है जी। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, नाम बताएं। शंकर शेष जी, क्या परेशानी है आपके साथ? लुधियाना से जी। शंकर जी बताएं। हकीम साहब ने एक नुस्खा बताया था, कलौंजी का नमक जी, मैंने इस्तेमाल किया है, वो अच्छा फायदा होना शुरू हुआ है। कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं? सिरका भी ले सकता हूँ क्या? ठीक है ठीक है। मैंने सवा महीना लिया हूँ। किस लिए लिया था आपने? कल वो पेट की परेशानी थी बहुत सारी, तो मैं खुद ही मंगा लिया आपके उधर से। यहाँ पूछा था इधर, तो इधर मिला नहीं है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने ये ले लिया। ये फ़ायदा करता, तेज़ होता है काफ़ी। और आपका सवाल है कि आप सिरका इसके साथ ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, सिरका ले सकते हैं आप, इसमें मिलाकर भी ले सकते हैं सिरका, और जिस ज़रूरत के लिए भी आप ले रहे हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है अगर आप ये दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल करें जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं, शशि ने हमें कॉल किया है। शशि जी, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न करें आप। हाँ जी, नमस्ते जी। जी आदाब शशि जी। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्रश्न करें आप। मेरे ना पेजाब बहुत बनता है जी, बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि मैं सर्जरी हुई थी उसके बाद दवाइयां खाती हैं और उसके बाद पता है तेजाब बहुत बढ़ता है, ऐसे जैसे आग जल रही है। जी जी, उम्र कितनी है आपकी? 64 जी। और कहाँ से बोल रही हैं आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से कॉल किया है, तेजाब बनता है। हाँ जी जी, बात कराना है कि जी, जी 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 शशि जी, मैं समझ गया आपका सवाल। जी आदाब, मैं समझ गया आपका सवाल, मैंने पूरी बात सुन ली। और ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे आग सी लग रही है, क्योंकि वो दवाओं की गर्मी हमें चढ़ जाती है और वो मुद्दतों तक परेशान करती है, जिसके एवज में हमारे बॉडी में एक ऐसा एसिड बनता है जो ऊपर की तरफ आता है, और इसको शांत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एसिड सब कुछ जला देता है, इसे तेज़ाब कहते हैं। अच्छा देखिए, मेथी तो आप जानती ही हैं, मेथी का दाना आपके किचन में भी होता होगा ज़रूर, महिलाओं के पास ये सब चीज़ें होती है। 500 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आपको लेना है कलौंजी का नमक या जैतून का नमक, ये दो नमक ऐसे हैं जिनकी तासीर एक जैसी है, और जो भी मिल जाए आप वो लेकर इसमें मिक्स करें, पाउडर बना लें। मेथी 500 ग्राम होनी चाहिए, 100 ग्राम नमक कलौंजी या नमक जैतून। अब इसको आप एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, आधा आधा चम्मच भी ले सकते हैं, आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से खाने से पहले ही ले लिया करिए। आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से फ़ायदा शुरू हुआ और इसके ख़त्म होते होते आपको का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, ईश्वर चंद साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से उन्होंने हमें कॉल किया है। ईश्वर जी बताइए, किस प्रकार की परेशानी है आपके साथ? ये सर शुगर और वो बीपी थोड़ा गैस परेशानी है। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दीजिए। हाँ, शुगर और बीपी का परेशानी है सर जी। उम्र कितनी है सर? गैस। एज बता दीजिए अपनी आप। 40। ठीक है। अच्छा देखिए, एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो
और शुगर, बीपी और गैस तीनों पर एक साथ काम करता है। और दवा लेते रहें लेकिन ये शुरू कर दें, 3 चम्मच जैतून का सिरका रात को सोते समय पानी में मिला कर लें, तेज़ होता है बहुत, और 3 चम्मच दिन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है।